Hello everyone, I'm Dr. Kajal from One Health. Today we will talk about importance of gut health. Ki gut health hai kya? हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसे कि हम माइक्रोबायम्स कहते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे फूड की डाइजेशन करते हैं और हमारे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास उतने गुड बैक्टीरियाज नहीं होते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, तब हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा होता है, तो हमें इंडाइजेशन के इश्यूज होने लग जाते हैं। गैस होना, एसिडिटी होना, बर्पिंग होना, कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन होना, ये प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अगर इन प्रॉब्लम्स को टाइमली सॉल्व नहीं किया जाता है तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे इश्यूज होने लगते हैं। ये सिर्फ डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज ही नहीं करता है, ये आपके स्किन एजिंग प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता है। उसके अलावा ये बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज कर देता है, जो कि आपकी पुअर हेल्थ का एक साइन होता है। इससे हार्ट प्रॉब्लम्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अभी इन सबसे बचने के लिए हमें अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करना होगा। गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आई हैव सम टिप्स फॉर यू, जिसमें कि आपको 5 टाइप ऑफ फूड को इंटेक करना है। फर्स्ट वन इज योर प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक आपको मिलता है गुड अमाउंट ऑफ कर्ब्स पे। फर्मेंटेड फूड में भी ये होता है, जैसे कि आपका डोसा, इडली, इसमें आपको मिलता है। तो ये आपको इंस्टेंट वाला यूज नहीं करना है, डोसा इडली बैटर जो है कि आपको घर में खुद से खमीर उठा के बनाना है, ये वो वाला है। सेकेंड वन इज आपके प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स आपके ऑनियन, गार्लिक, एप्पल, बनाना, बार्ली, ओट्स, इन सब में मिलता है। थर्ड वन इज योर हाई फाइबरस फूड। हाई फाइबरस फूड हम सब जानते हैं कि हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उसका रिच सोर्स होते हैं, फ्रूट्स में ये मिलता है। उसके अलावा जो हमारे होल ग्रेन्स होते हैं, नट्स, सीड, इन सब में ये पाया जाता है। फोर्थ वन इज आपको यूज करना है ओमेगा 3 रिच फूड। ओमेगा 3 रिच है आपका वॉलनट, चिया सीड्स, ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हो गए। सबसे वन इज पॉलीफेनॉल, ये बेरीज के अंदर बहुत अच्छे अमाउंट में पाया जाता है, हर्बल टीज के अंदर भी आपको मिलता है। ये था आपके फूड के बारे में। उसके अलावा कुछ जनरल चीजें, जो जनरल हैबिट्स हमें चेंज करनी होगी, वो है हमारा स्लीप पैटर्न हमें बहुत प्रॉपर करना होगा। एक हेल्दी गट के लिए हमें प्रॉपर स्लीप की नीड होती है। 12 घंटे का हमें प्रॉपर, जो हम एक बिना खाए जो पीरियड होता है, हमें वो पीरियड मेंटेन रखना है, ठीक है? तो आप ट्राई कीजिए कि आप अपना डिनर 7 बजे से पहले पहले ले लें रात में, और अगले दिन 7 के बाद ही ब्रेकफास्ट जो आप करें या मॉर्निंग में कुछ खाएं 7 बजे के बाद ही खाएं। वाटर इनटेक करना प्रॉपरली बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, गट हेल्थ को बहुत अच्छा मेंटेन करता है। उसके अलावा आपको एक्सरसाइज भी करना है, क्योंकि गट मोटिलिटी आपको एक्सरसाइज करने से ही मिलेगी। ये सब था आपकी कुछ जनरल टिप्स और फूड के बारे में। उसके अलावा जैसे कि हम आयुर्वेदा में कहते हैं कि अग्नि हमारे फूड के डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब अग्नि माइल्ड हो जाती है, मतलब फायर हमारी माइल्ड होती है, तो उस टाइम पर क्या हो जाता है, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है टॉक्सिन के अंदर, जो बहुत सारी बीमारियों को हमारे शरीर में लेकर के आता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आयुर्वेदा में कुछ हर्ब्स बताए गए हैं, जैसे कि मेथी दाना बहुत अच्छा है, आपको डेली मॉर्निंग को मेथी दाना पीना चाहिए, उसको भिगा करके। सेकेंड आप व्हीट ग्रास, लेमन ग्रास, टर्मरिक, नीम, तुलसी, गिलोय, ये बहुत अच्छे हैं आपके गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो प्लीज आप इन सब चीजों को इंटेक कीजिए और मेंटेन कीजिए एक अपने अच्छे गट हेल्थ को। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।